हाय व्यूअर्स, जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बेसन की बूंदी की रेसिपी, जिसका इस्तेमाल करके हम मोतीचूर के लड्डू, बूंदी के लड्डू, रायता और नमकीन बना सकते हैं। आसान फूड रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसन की बूंदी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 कप यानी कि 400 ग्राम बेसन लिया है और अब हम इस बेसन में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका अच्छे से घोल बना लेंगे। यहाँ पर एक बात का ध्यान रहे कि हम इसमें पानी एक साथ ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। पानी हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है। हमने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका अच्छे से बैटर बना लिया है। देखिए, हमने 2 कप बेसन लिया था, इसलिए हमने इसमें 1.5 कप पानी ऐड किया है और हम इसे लगातार फेंट रहे हैं। अब इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून तेल। अब तेल ऐड करने के बाद हम इसे लगातार 5 मिनट तक फेंटते रहेंगे। देखिए, हम इसको जितना फेंटेंगे उतनी हमारी बूंदी अच्छी बनेगी। ये देखिए, हमने इसे लगातार 5 मिनट तक अच्छे से फेंट लिया है और इसका बैटर कितना स्मूथ बना है, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। अब हम इस बैटर को 10 मिनट का रेस्ट देंगे, इसलिए हम इसे ढक कर 10 मिनट के लिए रख देंगे। इसे रखे हुए 10 मिनट हो चुकी है, अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए और फेंट लेंगे। देखिए, बेसन की बूंदी बनाने के लिए हम बेसन को जितना फेंटेंगे उतना अच्छा हमें रिजल्ट मिलेगा, इसलिए इसे 10 मिनट का रेस्ट देने के बाद भी हम इसे लगातार 2 से 3 मिनट के लिए फेंटते रहेंगे। इसी के साथ हमारा जो बैटर है वो बूंदी बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब मैं इसे चम्मच की मदद से गिरा रही हूँ तो ये बिल्कुल एक धार में गिर रहा है और बीच में से कहीं टूट भी नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि हमारा जो बैटर है वो बूंदी बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हमने बूंदी को फ्राई करने के लिए तेल अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम इसमें 1 बूंदी डाल के देखेंगे कि तेल सही से गर्म हुआ है कि नहीं। ये देखिए, जब इसमें से बूंदी इस तरह से फूल के ऊपर आने लगे, इसका मतलब है कि तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इस तरह का एक झारा ले लेंगे और चम्मच की मदद से इस पर बूंदी का बैटर ऐड करते रहेंगे और इसमें सारी बूंदी ऐड करने के बाद हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम बूंदी को कुरकुरी होने तक मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अगर आपकी बूंदी गोल नहीं आती, इसका मतलब ये है कि आपका जो बैटर है वो गाढ़ा है, इसलिए उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके उसे अच्छा सा फेंट लेंगे। ये देखिए, हमारी बूंदी जो है कितनी परफेक्ट है, कितनी गोल बनकर तैयार हुई है। मीडियम फ्लेम पर हमने इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसे तेल में से निकाल लेंगे और बाकी की बूंदी को भी इसी तरह फ्राई करेंगे। तो बनकर तैयार है बेसन की बूंदी। देखा आपने कितनी क्रिस्पी, गोल और परफेक्ट बूंदी बनकर तैयार हुई है। अगर आप बूंदी के लड्डू बनाना चाहते हैं तो इसकी रेसिपी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और ऐसी ही आसान रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।